फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक बाजार जैसा क्रिस्पी गोलगप्पा आप घर पे कैसे बनाएं। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा देखें, जिससे कि आपका गोलगप्पा भी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। आटे के गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 चम्मच सूजी, 500 ml तेल। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गोलगप्पे के लिए डो तैयार करना है, तो हम डो तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम आटा डालेंगे, सूजी डालेंगे, पानी डालकर हम डो तैयार कर लेंगे। तो पानी आप इकट्ठा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। अगर आप पूरा पानी डाल देंगे तो डो आपका लूज हो जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालें। गोलगप्पे के लिए डो हमारा तैयार हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का हमें यहाँ पर ये डो तैयार करना है। जितना हम पूरी बनाने के लिए डो बनाते हैं उसी तरीके का हमें डो बनाना है। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप डो को फुलाएं जरूर। 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, तो हम डो को चेक कर लेते हैं। डो हमारा एकदम रेडी है, तो अब हम इसके गोलगप्पे बेल लेते हैं। तो डो के हम 2 पोर्शन करेंगे इस तरीके से, और इस पोर्शन को हम पेड़े का आकार देंगे। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे, और इस पेड़े की हम पतली रोटी तैयार करेंगे। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये इतनी पतली रोटी तैयार करनी है। तो अब हम इसके गोलगप्पे कट कर लेते हैं। गोलगप्पे कट करने के लिए मैं यहाँ पर ये ढक्कन ले रही हूँ, इसकी सहायता से हम गोलगप्पे कट करेंगे। आप चाहें तो कुकीज कटर से भी गोलगप्पे कट कर सकते हैं। ये देखिए आप सारे गोलगप्पे हमारे कट हो गए हैं, तो अब हम ये निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर से जो आटा है इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, और इस आटे को हम दोबारा यूज कर लेंगे। और अब हमें इन गोलगप्पों को एक कॉटन के कपड़े में रखना है। गोलगप्पे रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है, ये बड़े साइज का एक कॉटन का कपड़ा है। इस कपड़े को हम पानी में डालकर गीला करेंगे, तो इसको हम पानी में डालेंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों की सहायता से हम इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एकदम नम कपड़ा चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं चाहिए। तो ये देखिए आप, मैंने कपड़े में से सारा पानी निकाल दिया है। इस कपड़े को हम एक थाली में रखेंगे, और जो पूड़ियाँ हमने बेली थी उन पूड़ियों को हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस स्टेप को ज़रूर करें। अगर आप इस स्टेप को नहीं करेंगे तो पूड़ियाँ आपकी फूलेंगी तो ज़रूर, पर वो क्रिस्पी नहीं होंगी। तो मैंने यहाँ पर सारी पूड़ियों को प्लेट के अंदर रख लिया है। आप इसी कपड़े से इनको ढकेंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों की सहायता से कपड़े को हम इस तरीके से दबा देंगे। ये कपड़ा मेरा पूरा गीला है, नीचे भी गीला है, ऊपर भी गीला है। तो इस कपड़े को आप हाथों से इस तरीके से दबा दें, और पूड़ियाँ आपकी सूखनी नहीं चाहिए, पूड़ियों को हमें यहाँ पर गीला रखना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ा आपका अच्छे से गीला होना चाहिए। इसको हम 1 घंटे के लिए इसी तरीके से थाली में छोड़ देंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। 1 घंटा हो गया है, तो चलिए हम गोलगप्पों को सेकना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तेल को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डो का थोड़ा सा पोर्शन लिया है, उसको तेल के अंदर डालूंगी। तो ये देखिए आप, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम गैस को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम गोलगप्पों को तलेंगे। एक बात का आप ध्यान जरूर रखें कि जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो तभी आप गोलगप्पे फ्राई करें। अगर आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो गोलगप्पे आपके नहीं फूलेंगे। तो एक पूड़ी लेंगे, पूड़ी को हम तेल के अंदर डालेंगे, और एक करछी की सहायता से हम ऊपर की तरफ इस तरीके से दबाएंगे। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से गोलगप्पा हमारा फूल गया है। इसी तरीके से हम बाकी गोलगप्पों को फ्राई कर लेंगे।
गोलगप्पों को हम एक करछी की सहायता से इस तरीके से चलाते हुए सेकेंगे, जिससे कि गोलगप्पे हमारे चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि गोलगप्पे हमारे चारों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। जब भी हम गोलगप्पे बनाते हैं तो कुछ गोलगप्पे हमारे बहुत अच्छे से फूलते हैं और कुछ थोड़े पिचके रह जाते हैं। तो अब हम इन गोलगप्पों को कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से हम बाकी सारे गोलगप्पे सेक लेंगे। सारे गोलगप्पे हमारे बन के तैयार हैं, तो आइए गोलगप्पों को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, गोलगप्पा हमारा यहाँ पर ये कितना क्रिस्पी है आप यहाँ देख सकते हैं। इस गोलगप्पे को आप पानी के साथ एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो इसकी पापड़ी चाट भी बना के खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप मेरे इस मेथड से गोलगप्पे बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे जरूर फूलेंगे। बाजार वाले जो गोलगप्पे बनाते हैं वो इसी मेथड का यूज़ करके गोलगप्पे बनाते हैं, तो उनके गोलगप्पे फूलते हैं और क्रिस्पी होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये गोलगप्पे की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।